नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं आपके साथ प्रेम राज। बिहार में नगर निकाय चुनाव टलने के बाद बीजेपी वाले लोग हैं जो जेडीयू के ऊपर हमलावर हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे हमलावर हैं। अब जो जेडीयू ने भी मन बना लिया है, जेडीयू का कहना है कि अब हम लोग पोल खोल कार्यक्रम करेंगे कि किसके वजह से नगर निकाय चुनाव टला है। आपको बताते चले, कल गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के ठीक नीचे जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और उनके समेत कई बड़े नेता उपस्थित रहेंगे और पोल खोल अभियान करेंगे। क्या कुछ कर रहे हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। हाल के दिनों में 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को जो नगर निकाय चुनाव होना था और नगर निकाय चुनाव जो रद्द कर दिया गया, और जिस तरह भाजपा वालों ने जो आरक्षण विरोधी जो भाजपा का जो चेहरा है, जो लोकतंत्र की भाजपा हत्या कर रही है, जो आरएसएस के इशारे पर आरएसएस के एजेंडे पर जो भाजपा काम कर रही है, चल रही है, सारी चीज़ों को लेकर पार्टी ने तय किया है कि एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजन पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन कर पोल खोल भाजपा के आरक्षण विरोधी चेहरा को पोल खोल हम लोग कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें सभी जो हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी, सभी नेता और जितने भी हमारे प्रकोष्ठ हैं, और सभी जगह हम लोगों ने एक सूची जारी करके जो वहाँ के मुख्य रूप में जो मुख्य अतिथि के रूप में जो वहाँ शिरकत करेंगे, जो हमारे पार्टी के बारे में और जो भाजपा के द्वारा जो इसका काला सच है उसको उजागर करने के लिए हम लोगों ने उनको चिन्हित किया है, हर जिला आवंटन किया है। कार्यक्रम है क्या? मैंने कहा कि कार्यक्रम धरना के रूप में हम लोग बैठेंगे, धरना के रूप में बैठेंगे और जो उसका काला सच है भाजपा का उसका हम लोग उजागर करेंगे। पटना में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहेंगे, खुद हम स्वयं हम रहेंगे और सभी ये गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास कार्यक्रम आयोजित है और सभी मुख्यालय में। नहीं, मंत्री नहीं, बाकी जिलों में हमने पार्टी के जो बड़े लीडर हैं, जो एमपी हैं, पूर्व मंत्री हैं, इन लोगों को या जो पूर्व विधायक हैं, इन लोगों को हम लोगों ने लगाया है और सभी जगह वहाँ के जो स्थानीय हमारे जो एमएलए हैं या वहाँ के प्रभारी हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, सभी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और जो पोल खोल जो भाजपा का जो आरक्षण विरोधी चेहरा है उसका उजागर करें। तो जैसा कि देखा आपने, साफ तौर पर उमेश कुशवाहा का कहना है कि नगर निकाय चुनाव टलने के कारण अब हम लोग पोल खोल अभियान करेंगे, जिसमें पोल खोलेंगे कि किसकी वजह से नगर निकाय चुनाव टला और क्या कुछ कहेंगे वो कल ही देख सकते हैं हम लोग। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें बिहार इन शॉर्ट के साथ। बिहार इन शॉर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।